खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां वार्ड 12 से आम आदमी पार्टी के समीर खान इस बार चुनाव के मैदान में उतरे हैं। बता दें कि इस दौरान वार्ड 12 से आम आदमी पार्टी के समीर खान अपनी जीत पर विकास करने की बात करते हुए वार्ड की कमियां गिनाई, जिन्हें आम आदमी पार्टी द्वारा पूरा किया जाएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी का सीधा सा मानना है कि आम आदमी पार्टी जो वादे करती है वो चुनाव जीतने के बाद जितने भी वादे होते हैं उनसे ज़्यादा ही जनता को आम आदमी पार्टी मुहैया कराती है। दिल्ली पंजाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैगा। और आम आदमी पार्टी में जब मुझे प्रत्याशी बना के भेजा तो आम आदमी पार्टी का साफ मानना है कि यहाँ पे हर घर के अंदर समीर खान है, हर घर में उसका बेटा उसका भाई चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि ये जो चुनाव है अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो लूट तंत्र रहेगा, बिजली कंपनियों का लूट तंत्र रहेगा, नगर निगम का लूट तंत्र रहेगा, उसके खिलाफ एक एक घर से समीर खान निकल के एक एक आदमी प्रत्याशी बन के इन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ने के लिए चुनाव लड़ रहा है। देखिए, लगातार पिछले 15-20 सालों से कांग्रेस पार्षद रहे हैं इसके अंदर। इससे पहले सुधीर गुप्ता जी पार्षद थे, फिर उसके बाद उनके कहने के ऊपर मंजू धर्मेंद्र दिवाकर को पार्षद बनाया जाता है, फिर वापस सुधीर गुप्ता जी को पार्षद बनाया जाता है। मगर आज सुधीर गुप्ता जी से मैं आप मीडिया के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि सुधीर गुप्ता जी के पास इस वार्ड के लिए क्या ब्लू प्रिंट है, क्या योजना है, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे? सिर्फ बड़े बड़े वादे करने से और बाहर से जनता से हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा। जनता को आगे धरातल पर जवाब देना पड़ेगा कि सुधीर गुप्ता जी आके बताइए आपके पास 17 लाख रुपए, 18 लाख रुपए की किस्त आती है ठाकुर कमल सिंह स्कूल में, टोटल अमाउंट हो जाता है 35 लाख रुपए का। 35 लाख रुपए का स्कूल है, 35 लाख रुपए का बजट फाइनल होता है और 7 क्लासरूम बनते हैं। क्या 35 लाख रुपए में 7 क्लासरूम बनते हैं? आप चारों तरफ जाके देखिए, भ्रष्टाचार की लूट मची रखी है इसके अंदर। बोलते हैं कि हमने पार्क बनवा दिए हैं, खेल स्पोर्ट्स ग्राउंड बनवा दिए हैं, वो धरातल पे नहीं है, वो कागज में है। LIG का पार्क 3,84,00,000 का पार्क की बात करते हैं, वो उनके घर के सामने के पार्क की बात करते हैं, मगर वहाँ पार्क नहीं है कोई। देखिए, आम आदमी पार्टी का सीधा मानना है कि जब हम आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी, आम आदमी के पार्षद परिषद के अंदर जब पहुंचेंगे, तो आम आदमी पार्टी का साफ मानना है कि हाउस टैक्स 100% माफ होगा और कॉमर्शियल टैक्स 50% हम लोग कर देंगे। 20,000 लीटर पानी फ्री पहुँचाएंगे, पानी की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, इनकी नीयतों में कमी हैगी। दूसरी चीज़ आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी करने जा रही है, 2500 रुपये महिलाओं को पेंशन दिल्ली के तर्ज पे करने जा रही है आम आदमी पार्टी। तो इस तरह के वादे आम आदमी पार्टी जो करती है वो ज़मीन पे करेगी, और लगातार आम आदमी पार्टी करने जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का सीधा सा